एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और ये एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आपके लिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। 11th में आते ही आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पता चल जाता है, पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में। उसके बाद पूरे 2 साल तक बहुत से ऐसे साइंटिफिक नेम्स हैं जो आपको डराते रहते हैं कभी कभी, क्योंकि वो काफी मतलब डिफिकल्ट मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा एक अनोखा तरीका होता है इनको नेमिंग में, और इनकी जो टोन होती है, इंटोनेशन होता है, वो भी कई बार कुछ हट के होता है, जिसकी वजह से इसको समझना और याद रखना एक खासा मुसीबत का सबब कई बार बनता है। कुछ नाम तो आपकी जुबान पर रहते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका को तो आप क्लास 9 से ही पहचानते हैं, नेशनल फ्रूट है हमारी कंट्री का। तो आप नोमेनक्लेचर के रूल भी जानते हैं, रूल्स का मतलब हो गया कि किन तरीकों से इस नोमेनक्लेचर को हमें लिखना है, दर्शाना है, कैसे कैसे इनका प्रस्तुतिकरण क्या है। लेकिन आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जानने जा रहे हैं जो बड़े कॉमन हैं और जिनके साइंटिफिक नेम आपके सिलेबस का हिस्सा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्पल के रूप में उनका जिक्र किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि उनको जानना आपके लिए आवश्यक भी है। तो मैं इस सीरीज के थ्रू आपको विथ साइंटिफिक नेम कुछ एक्सप्लेनेशन, ताकि उसको याद रखने में आपको सहायता मिले, इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो आगे भी चलती रहेगी। यहां पर हम सारे के सारे बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, जितने भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन आप कम अक्रॉस करते हैं अपने 2 साल के सिलेबस में, वो सारे के सारे, और इवन वो जो जिनके आने की संभावना है कि किसी एग्जाम्पल में दे दिया, किसी रूप में दे दिया, तो इस बात की गारंटी है अगर आप इन सेशंस को अटेंड करेंगे आपको बिल्कुल बखूबी आइडिया लग जाएगा इन चीजों के बारे में, राइट? तो चलिए बच्चों शुरू कर देते हैं सेशन। एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से बच्चे हमारे आ चुके हैं। शिवम, प्रीति, दीक्षा, देन वी हैव श्रेया, हर्ष, हर्षिता, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस सेशन में। और जितने बच्चे आए हुए हैं, आशा करता हूँ आप सब एक नए तरीके से चीजों को सीखने का मौका पाने वाले। अभी शीबा, सचिन, रंजना, राज, स्वागत है बच्चों। फ्रूटी, देन वी हैव अनिकेत, ऋषभ आ चुके हैं। नंदिनी, तो इसका मतलब है कि आप लोग काफी एक्साइटेड हैं, काफी खुश हैं इसको जानने की कोशिश। तो बच्चों मैंजीफेरा इंडिका की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है वो मीठा फल आम, जिसको हम सब पसंद करते हैं हमारे कंट्री का, यानी कि मैंजीफेरा इंडिका हमारी कंट्री का नेशनल फ्रूट है, नेशनल ट्री है हमारी कंट्री का, बैनियन फिकस बेंगलेंसिस। तो इन सारी चीजों के बारे में अब हम जानकारी लेने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले एक सिंपल सी चीज आपको बता देता हूं। आप जहां कहीं भी देखें कभी भी साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम 2 तरीके से लिखे होते हैं। एक तरीका वो कि जिसको एज अ जनरल नेम लिख दिया जाता है, और एक तरीका वो जहां पर प्रॉपर साइंटिफिक नेम के रूप में लिखा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी भी चीज को अगर हम एज अ कॉमन नेम ले लेते हैं, यानी कि साइंटिफिक नेम को ही कॉमन नेम की तरह यूज करने लगे, तो उसको लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। जैसे मैंगो को अगर आप मैंजीफेरा कहना शुरू कर दें तो इसमें कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। लेकिन जब हम इसको एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम के रूप में दर्शाएंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, उनको मैं एक बार 2-4 रूल्स जो बड़े इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता देता हूं। बच्चों देखिए, 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम किसी किताब में मटेरियल में प्रिंट करेंगे साइंटिफिक नेम को, या तो हम कहीं पर प्रिंट करेंगे या कहीं पर लिखेंगे। तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो उसकी प्रिंटिंग इटैलिक्स में होनी चाहिए, यानी कि स्लैंटिंग लेटर्स में हम उसको प्रिंट करेंगे, राइट? और अगर हैंड रिटन है तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, दोनों पार्ट्स को। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है 2 पार्ट में नामकरण। 2 पार्ट कौन सा है? पहला जीनस है, फिर स्पीशीज है। तो जीनस को हम अलग अंडरलाइन करेंगे, स्पीशीज को हम अलग अंडरलाइन करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जीनस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होता है, राइट? और स्पीशीज का जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल होता है। बाकी लेटर क्या होते हैं? बाकी सब स्मॉल होते हैं, लोअर केस अल्फाबेट में होते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा जो भी साइंटिफिक नेम रखा जाता है बच्चों, उसको लैटिनाइज्ड कर दिया जाता है। लैटिनाइज्ड मतलब लैटिन का वर्जन दे दिया जाता है, लैटिन के टोन में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि कैरोलस लिनियस ने लैटिन को प्राथमिकता दी थी,
उन्होंने कहा था कि ये यूरोपियन लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज है और डेड लैंग्वेज है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सदियों तक ये जो साइंटिफिक नेम है एज इट इज, ऐसे के ऐसे ही चलते रहेंगे। आई बात समझ में? अब बच्चों एक चीज और समझ लीजिए, ये मैं किसी चैप्टर विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर साइंटिफिक नेम आपके पूरे सिलेबस में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बायोलॉजिकल, उन सब के साइंटिफिक नेम्स को कवर करने की सीरीज लेकर के आया हूं। जैसे डिक्शनरी सीरीज चल रही है, वैसे ही साइंटिफिक नेम अल्टरनेट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिक्शनरी सीरीज में हम जो बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनके ऊपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, और इसके अलावा साइंटिफिक नेम को अलग से करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नेम की लिस्ट बड़ी लंबी है। अगर हम उन सारे के सारे साइंटिफिक नेम्स को अल्फाबेटिकली लेकर के चलने लगे, बड़ा मुश्किल का सबब हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं दुनिया में 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स का नामकरण हो सकता है बच्चों। 17 लाख से 18 लाख क्या ये पॉसिबल है? 17 लाख से 18 लाख नाम किसी एक इंसान को याद रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, किसी को भी नहीं याद रह सकते सारे। कितने याद हो सकते हैं? मैं कहता हूं आपके किताबों में 200 से अधिक साइंटिफिक नेम्स हैं, 200 से ज्यादा साइंटिफिक नेम्स हैं, जहां जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिक्र हुआ है। तो जब उनका जिक्र हुआ है तो उनके बारे में जानना हमें आवश्यक है। तो आप मान के चलिए कि हम इस सीरीज के थ्रू 200 से अधिक और 500 के अंदर अंदर सारे के सारे नामों को समझ लेंगे। जानना बहुत जरूरी है। देवा, अंशिता, कृष्णा, जानवी, बहुत से बच्चे आ चुके हैं, यशी ने ज्वाइन कर लिया, अनमोल, कार्तिक है। चलिए अब अपने सफर को शुरू करते हैं। मैं इंतजार कर रहा था मेरे सारे बच्चों का जो कि आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका। यहां पर जो मैंजीफेरा इंडिका को आप देख रहे हैं, इसको एक डिजाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इवन जो साइंटिफिक नेम आपको दिखाई दे रहा है, ये करेक्ट तरीका नहीं है साइंटिफिक नेम को लिखने का। आगे बढ़ते हैं और करेक्ट तरीका भी जान लेते हैं, भाई क्या है करेक्ट तरीका इसका, इस प्रोसेस का। चलिए शुरुआत करते हैं होली बेसिल से या तुलसी। तुलसी का नाम हम सब जानते हैं। तुलसी को हमारी कंट्री में, हमारे जो कल्चर में काफी विशेष महत्व है, यानी कि एक तरह का मेडिसिनल प्लांट है। कई समुदाय इसको रिलीजियस प्लांट के रूप में भी देखते हैं, जैसे इन हिंदुइज्म इट इज अ सेक्रेट प्लांट। तो हिंदुइज्म में तो वैसे बहुत से प्लांट सेक्रेट हैं, बट दिस इज वन ऑफ द सेक्रेट प्लांट। तो चलिए वो तो हो गई रिलीजियस मान्यता। वैज्ञानिक तथ्य क्या है? वैज्ञानिक तथ्य ये है कि ये प्लांट जो है बहुत ही उम्दा क्वालिटी का प्लांट होता है, जो जर्म्स के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव होता है। यानी कि तुलसी का रस हो जाए, तुलसी का डिकॉक्शन जिसको कहते हैं, उसको कई तरह की बीमारियों में भी यूज किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिसइंफेक्टेंट है या किसी जर्म को किल कर देगा, लेकिन बच्चों इतना जरूर है कि ये जर्म की ग्रोथ को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करता है, चेक करता है, ग्रोथ नहीं होने देता। आप समझ ही गए होंगे कि काफी पोटेंट मेडिसिनल प्लांट है। थ्रोट इन्फेक्शन में, सर्दी खांसी में तुलसी से बढ़िया तो कोई दवा है ही नहीं। इसकी पत्तियों को अगर हम, इसका काढ़ा बनता है, इसके पत्तियों के जूस को भी हम यूज कर सकते हैं, चाय में भी डाल करके उबाल करके पी सकते हैं, है ना, इसके बारे में आप जानते हैं। अब देखिए बच्चों, ऑसिमम सैंक्टम इसका साइंटिफिक नेम है। ऑसिमम सैंक्टम, ऑसिमम सैंक्टम को यहां पर प्रिंटेड फॉर्म में आप अपने समक्ष देख रहे हैं, तो इस वजह से इसको जो है नॉर्मल लेटर्स में लिखा गया, लेकिन इटैलिक्स है। अब इसी चीज को अगर मैं खुद अपने हाथ से लिखूं तो इसको किस तरह लिखेंगे, ये देखना जरूरी है। ऑसिमम सैंक्टम, ओ सी आई एम यू एम, तो ऑसिमम सैंक्टम, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद इसको हमें अंडरलाइन करना अति आवश्यक है, अंडरलाइन नहीं करेंगे तो ये करेक्ट प्रोसेस नहीं है। ऑसिमम सैंक्टम, आप लोग भी इसको लिख करके याद रखिएगा, आज ओ तो बड़ा स्पेशल बन रहा है यहां पे, ऑसिमम सैंक्टम। चलो मेरे ख्याल से मेरा लिखना यहाँ पर उतना ज्यादा मुनासिब नहीं दिख रहा है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ यानी कि लेटेंसी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मेरी लेखनी ठीक से नहीं दिखाई, लेकिन ट्राई एक बार और कर लेता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं, है ना। तो हमारे पास साइंटिफिक नेम, आप इन जनरल तो समझ ही गए साइंटिफिक नेम को लिखने का तरीका, कि भाई क्या होता है इसको लिखने का तरीका, है ना, इन जनरल तो आप जान ही गए। हाँ जी ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन। ऑसिमम सैंक्टम, ठीक है,
मैंने अपनी तरफ से काफी प्रयास कर लिए, आप भी इन प्रयासों को करें। यहाँ पर लैंग्वेज जो है इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, बट एनीवे आप देखिए तुलसी को आप जानते ही हैं, ऑसिमम सैंक्टम। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जिक्र कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इट इज अ ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट। ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट है। इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं, इन डिफरेंट पार्ट को यूज किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस में यूज हो सकता है, मलेरिया में यूज हो सकता है, डायरिया, डिसेंट्री, स्किन डिजीजेस, आर्थराइटिस, आई डिजीजेस, इंसेक्ट बाइट वगैरह वगैरह, है ना। तो इस तरह की बहुत सी जगह हैं जहां पर इसको यूज किया जाता है, ऑसिमम सैंक्टम। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ऑसिमम सैंक्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी लेते हैं। ऑसिमम सैंक्टम के बारे में आप समझ गए, मैं फिर एक बार दिखा देता हूं। ऑसिमम सैंक्टम यानी कि तुलसी, याद रख लीजिएगा। वैसे तो ऑसिमम के और भी कई स्पीशीज हैं, इस ऑसिमम जीनस की और भी कई स्पीशीज हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ऑसिमम सैंक्टम या तुलसी, याद रहेगा। अगला साइंटिफिक नेम हमारा कॉटन के बाद, कॉटन के बारे में जानते हैं। कॉटन को क्या कहते हैं? गॉसिपियम हर्बेशियम। कॉटन का जो साइंटिफिक नेम है वो है गॉसिपियम हर्बेशियम। ठीक है, गॉसिपियम हर्बेशियम। ठीक है, ये देखो मैंने लिख भी दिया, गॉसिपियम अलग अंडरलाइन करिए, हर्बेशियम को अलग अंडरलाइन करिए। तो ये तरीका है हैंड रिटन फॉर्मेट का। हैंड रिटन जब भी हम लिखेंगे किसी भी वैज्ञानिक नाम को या साइंटिफिक नेम को, तो जीनस और स्पीशीज अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। गॉसिपियम हर्बेशियम मालवेसी फैमिली का मेंबर है, यानी कि चाइना रोज से रिलेटेड है। अब आप देख लीजिए, चाइना रोज तो आप जानते ही हैं, चाइना रोज से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट गॉसिपियम हर्बेशियम। कॉटन बॉल वॉर्म के बारे में जब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं तब भी आपको कॉटन के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह के फाइबर होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से स्प्राउटिंग होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीजें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसके बॉल के बारे में भी, जो कॉटन बॉल होता है वो किस तरह का है। फैमिली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे मालवेसी फैमिली, इसमें लेटेक्स टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके सीड जो होते हैं इसी बॉल के अंदर होते हैं, जिसमें बहुत से फाइबर्स जुड़े होते हैं। तो ये है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉटन। नाउ द फाइबर ऑफ द सीड पॉड इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, कपड़े बनाने के काम में आता है। इसके अलावा रबर टायर फैब्रिक को भी बनाने के काम में आता है। शायद इस चीज के बारे में कम ही बच्चे जानते हो कि कॉटन फाइबर को बहुत पुराने टाइम से रबर टायर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आज की डेट में इस इस्तेमाल को कुछ कुछ चेंज कर दिया गया है, सिंथेटिक फाइबर्स को यूज किया जाता है, लेकिन पहले जो रबर टायर बनते थे उनमें कॉटन फाइबर को इस्तेमाल किया जाता था। इवन कुछ कंपनीज अभी भी करती हैं कॉटन फाइबर का इस्तेमाल। इसमें चेंजेस सबसे पहले स्टार्ट हुए थे, जो ट्रक का टायर है उसमें नायलन या रेयन के फाइबर्स डालने शुरू हुए थे, जिससे उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी, राइट। बाद में देखा गया कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर टाइप के फाइबर्स आ गए हैं, वो फाइबर ज्यादा देरी तक चलते हैं, ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है उनकी। तो अब लार्जली आर्टिफिशियल फैब्रिक्स को ही यूज किया जाता है रबर के टायर में, यानी कि उसके ऊपर रबर चढ़ा दी जाती है, राइट, रबर की कोटिंग उसके ऊपर लगा दी जाती है। क्लियर है जी, समझ में आ गया। तो इसके अलावा स्टफिंग मटेरियल फॉर पिलोज, पिलोज वगैरह में भी स्टफ करने के काम में आता है, कुशंस बनाने के काम में आता है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स में काम में आता है, रोप मेकिंग, रस्सियां बन जाती हैं इससे, कारपेट वगैरह बनते हैं। तो इस तरह के बहुत से वर्क में इसको यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। प्लांट स्टेम्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, प्लांट स्टेम को यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में, यानी कि जब हार्वेस्टिंग हो गई तो उसके बाद जो प्लांट स्टेम बची उसको यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि भाई द फाइबर ऑफ द सीड पॉट को अलग अलग कामों में लिया जाता है, राइट। गॉसिपियम हर्बेशियम, नाम याद रखिए, गॉसिपियम हर्बेशियम, ये याद रखना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर दिखा देता हूं, साइंटिफिक नेम को याद रखना चाहिए आपको। जितने आज दिखा रहा हूं वो सब आपका होमवर्क है, आप इनको इंक्लूड करेंगे। अगले सेशन में हम इनके ऊपर फिर एक बार चर्चा करेंगे और तब मैं देखूंगा कि आपने कितना ध्यान रखा है। चलिए अगला प्लांट हमारा नीम, एज अ डिराजटा इंडिका। ये नीम है, नीम हमारे आंगन की शोभा होती है,
गांव में तो नीम की छांव को बहुत अच्छा माना जाता है, शीतल छांव है। इसके जो सीड होते हैं वो भी बड़े काम के होते हैं, ऑयल निकलता है उनमें से, एज अ डिराजटिन जैसे केमिकल्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, मल्टीपल यूसेज है बच्चों, नीम के यूसेज बहुत ज्यादा है। नीम का इनफैक्ट पूरा का पूरा पेड़ ही काम का है, हमारी कंट्री का इंडिजिनस प्लांट है। तो एज अ डिराजटा इंडिका, जिसमें भी आप इंडिका देखेंगे लिखा हुआ, इसका मतलब है कि वो इंडिजिनस है हमारी कंट्री का, यानी कि हमारी कंट्री का ही पौधा है, वो मेनली हमारी कंट्री से ही स्टार्ट हुआ है। तो दैट इज एज अ डिराजटा इंडिका, जिसको हम नीम या निम्बा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं, नीम लीव्स को ड्राई किया जाता है और इसको कबर्ड वगैरह में रखा जाता है। सो नीम लीव्स आर ड्राइड एंड प्लेस्ड इन द कबर्ड्स टू प्रिवेंट इंसेक्ट डैमेजिंग द क्लॉथ्स, और इसको ग्रेन स्टोरेज में भी यूटिलाइज किया जाता है। जहां पर हम अनाज रखते हैं, अगर नीम की सूखी पत्तियों को उन अनाज के बीच में रख दें, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो चावल हो, तो उन पत्तियों की वजह से वहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होती है, माइक्रोब्स नहीं आते हैं, राइट। इसके प्रोडक्ट को सिद्ध और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स एंटी हेलमिंथिक मानते हैं। हेलमिंथिस होते हैं ना, प्लैटी हेलमिंथिस, एस्कलमिंथिस, जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, एंटी डायबिटिक भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, कॉन्ट्रासेप्टिव भी है और सीडेटिव भी है, यानी कि कहीं कभी कोई पेन हो कुछ हो तो मसल्स को नर्व्स को रिड्यूस करने के लिए उनका जो इरिटेशन है इसको एज अ सीडेटिव भी यूज किया जाता है। तो नीम का ऑयल भी अवेलेबल है ना, नीम ऑयल भी अवेलेबल होता है। नीम के पत्तियों का बार्क को भी, पत्तियों को भी जो है बॉइल किया जाता है, बार्क का डिकॉक्शन भी यूटिलाइज किया जाता है। तो इस तरह के कार्य होते हैं नीम को लेकर के, ठीक है। सो नीम लीव्स आर ड्राइड एंड प्लेस्ड इन कवर टू प्रिवेंट इंसेक्ट डैमेजिंग द क्लॉथ्स एंड सो ऑन। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। तो ये था नीम के बारे में डिस्क्रिप्शन। हाँ बच्चों, मुझे पता है कि कुछ कुछ जो है बीच बीच में हल्की फुल्की दिक्कत आ रही है, लेकिन बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको साइंटिफिक नेम आज कराकर ही सेशन को आज स्टॉप करूंगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज को लेकर के, एज अ डिराजटा इंडिका यानी कि नीम, क्योंकि मेन थीम आपका है साइंटिफिक नेम्स के साथ जुड़ना, उनके बारे में समझना और उनको याद रखना। चलिए बच्चों बात करते हैं अगला प्लांट, पीपल का प्लांट, फिकस रिलीजियोसा। फिकस रिलीजियोसा फिकस जीनस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है, ट्री है इनफैक्ट, ये तो काफी बड़ा ट्री है। और ऐसा माना जाता है फिकस रिलीजियोसा की एज काफी ज्यादा होती है, यानी कि लाइफ स्पैन जो है काफी अधिक है, इसका लाइफ स्पैन काफी अधिक होता है फिकस रिलीजियोसा का। यानी कि ऐसे ऐसे पीपल ट्रीज के बारे में भी जिक्र है जो कहते हैं कि 2000 से 3000 साल पुराने हैं, लेकिन उसका कहां तक वैज्ञानिक तथ्य है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि पीपल की जो आयु है कहीं कहीं पर 2000 वर्ष लिखी हुई है और कहीं कहीं पर 3000 वर्ष भी लिखी हुई है। कहने का मतलब है दो हो या तीन हो, है तो लॉन्जिविटी वाला प्लांट, काफी ज्यादा दिनों तक जीने वाला प्लांट है। इसकी पत्तियों में एक खास और अजीब बनावट होती है कि पत्तियों का जो स्टॉक होता है राइट, जिसको पेटियोल कहते हैं, तो पेटियोल काफी लंबा होता है, लैमिना के कंपैरिजन में पेटियोल काफी लंबा होता है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां हवा में, हल्की हवा में भी फ्लटर करती हैं, फड़फड़ाने लगती हैं, हल्की सी भी हवा चली तो ये फड़फड़ाने लगती हैं, राइट। तो पीपल की पत्तियों का हमारी कंट्री में बहुत बड़ा योगदान है, इसको एक तरह से रिलीजियस प्लांट भी माना जाता है। इसी वजह से जो जब वेस्टर्न जो नॉमनक्लेचरिस्ट थे, जिन्होंने नॉमनक्लेचर किया, जो टैक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके नाम के आगे रिलीजियोसा ही लगा रहने दिया। हमारे कंट्री का सर्वोच्च मेडल भारत रत्न, उसका भी जो मेडल होता है वो इसी पत्ती के डिजाइन का होता है। आपने जरूर देखा होगा भारत रत्न का मेडल, जो ब्रॉन्ज वगैरह मिक्स्ड धातु को मिला करके बनता है, लेकिन डिजाइन उसकी पीपल की पत्ती की तरह ही होती है। सबसे ज्यादा फ्लटर करने वाली जो पत्ती है, हवा, हल्की हवा में भी इसमें खरखराहट होने लगती है, कूलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है पीपल के। और कुछ लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं कि पीपल का वृक्ष रात के वक्त ऑक्सीजन देता है, ये एक मिथ है, कोई भी प्लांट रात के वक्त ऑक्सीजन नहीं देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये कि इसके स्टोमाटा बहुत ज्यादा ओपन नहीं रहते हैं रात को, बहुत हल्के रहते हैं, और दूसरा ये कि रात में कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के योग्य नहीं होता है, तो ये भी ऑक्सीजन रात को नहीं दे सकता, सीधी सी बात है, नॉर्मल कंडीशन ही मेंटेन होता है।
तो पीपल यानी कि फिकस रिलीजियोसा, चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर लाइक एस्थमा में यूज करते हैं, डायबिटीज में यूज करते हैं, डायरिया में यूज होता है, एपिलेप्सी जिसमें मिर्गी के दौरे आते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर में यूज होता है पीपल की पत्ती के। बहुत सारे यूसेज हैं हमारी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप लोग घबराइए नहीं बिल्कुल, अगर हल्का फुल्का एक आध सेकंड के लिए बीच में वीडियो रुकता भी है लेकिन चल रहा है, तो इसलिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि जो साइंटिफिक नेम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो सारे मैं आज के कर ही जाऊंगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और इस क्रम को आगे भी चलाते रहेंगे, ये अनवरत चलता रहेगा जब तक सारे के सारे साइंटिफिक नेम कंप्लीट ना हो जाए। चलिए अगला आ चुका है रोजा, रोजा कॉर्डेसी। तो रोज जो है यानी कि गुलाब, उसको रोजा इज द जीनस, कॉमन जीनस रोजा है, उसमें स्पीशीज बहुत तरह की है, और इनफैक्ट अगर हम बात करें गुलाब की तो ज्यादातर कल्टीवर्स पाए जाते हैं। कल्टीवर्स का मतलब होता है कलम, कलम का मतलब हो गया कि दो तरह की फ्लावर के बीच में करके एक तरह की ग्राफ्टिंग कर दी गई है ना, तो इस तरह के मैकेनिज्म किए जाते हैं इसमें, यानी कि दो प्लांट एक साथ जोड़ दिए जाते हैं जिसको हम ग्राफ्टिंग का मैकेनिज्म भी कहते हैं, और एक नई प्रजाति बना ली जाती है। तो इस तरह की चीजें होने की वजह से इसमें इतनी सारी वैरायटीज हो गई जो आर्टिफिशियल वैरायटीज है, इसमें से रोजा कॉर्डेसी एक ओरिजिनल पुरानी वैरायटी है। तो इन फैक्ट इसका तो आप साइंटिफिक नेम रोजा के नाम से ही याद रखें, बहुत है रोजा है ना। कॉर्डेसी इज वन ऑफ द एक्चुअल जो रोज था, इसके बाद तो बहुत सारे कल्टीवर्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है, कल्टीवर्स ज्यादा है। ठीक है जी, तो चलिए रोज के बारे में जानते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानते हैं। बच्चों देखिए, जो इसका पेटल एक्सट्रैक्ट होता है, इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं उनका एक्सट्रैक्ट, पेटल एक्सट्रैक्ट बड़े काम का होता है। इट कंटेन्स एसेंशियल ऑयल्स होते हैं इसमें, एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोज वाटर। रोज वाटर बड़े काम का की औषधि है, रोज वाटर को बनाने के काम में आता है पेटल का एक्सट्रैक्ट। पेटल तो आप समझ ही गए, इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं उनको रोज वाटर बनाने में काम में लिया जाता है। ठीक है, चलो। रोज वाटर इज बेनिफिशियल फॉर डर्मेटाइटिस, यानी कि स्किन की जो एलिमेंट्स होती हैं उनमें रोज वाटर बहुत काम का है, बेनिफिशियल है फॉर डर्मेटाइटिस एंड एक्जिमा बिकॉज ऑफ एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, राइट। गुलाब जल को लोग आंखों में भी डालते हैं, स्किन को रेजुविनेट करने का काम करता है, तो स्किन के जो भी नॉर्मल छोटे मोटे डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें बड़े काम का है। कहीं किसी कीड़े ने काट लिया तो अगर आप इसको लगाते हैं तो सूदिंग इफेक्ट मिलता है, दवा तो नहीं है, सूदिंग इफेक्ट जरूर मिलता है। नाउ ध्यान दीजिए, ड्यू टू पॉल्यूशन एंड आवर फॉल्टी लाइफस्टाइल, काफी पॉल्यूशन है आसपास तो हमारे जो रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं, यानी कि स्किन पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, और रोज वाटर को लगाने से स्किन पोर खुल जाते हैं जिससे धूल और गर्द जो होती है, ऑयल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, जो सीबम वगैरह डिपॉजिट हो जाता है वो सारा का सारा क्लीन हो जाता है। यानी कि स्किन के लिए ये बहुत काम का होता है। रोजा, याद रखिए जीनस रोजा, एक बार फिर दिखा देता हूं, रोजा कॉर्डेसी इज वन ऑफ द ओरिजिनल वैरायटीज। नाउ सैकरम बारबेरी, सैकरम बारबेरी और सैकरम ऑफिसिनेरम दो वैरायटीज बड़ी फेमस है हमारी कंट्री में। सैकरम बारबेरी नॉर्थ इंडियन वैरायटी है, इसकी स्टेम थोड़ी हार्ड होती है, राइट, इसकी स्टेम हार्ड होती है, जूस कंटेंट भी यानी कि जो इसमें से जूस निकलता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन सैकरम ऑफिसिनेरम जो साउथ इंडियन वैरायटी है उसमें काफी ज्यादा जूस निकलता है, उसकी स्टेम भी सॉफ्ट होती है, यानी कि शुगर क्वालिटी भी आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ इंडिया जो कि शुगर केन बेल्ट के नाम से जाना जाता है, और उसमें भी द स्टेट कॉल्ड उत्तर प्रदेश, हमारी कंट्री का एक स्टेट उत्तर प्रदेश, इट इज प्रोड्यूसिंग मोर देन 50% ऑफ द टोटल शुगर केन प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, और चीनी भी खूब बनती है हमारी कंट्री में, है बात कि नहीं। तो नाउ सैकरम बारबेरी जो कि नॉर्थ इंडियन वैरायटी है उसकी स्टेम हार्ड है, उसको प्रोसेसिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सैकरम ऑफिसिनेरम जो साउथ इंडियन वैरायटी, उसको जब नॉर्थ में लाके रिप्लेस किया गया यानी कि यूज किया गया, तो नॉर्थ इंडिया में जो वेदर का इनटॉलरेंस होता है यानी कि कभी सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पर वो बहुत अच्छे से चल नहीं पाई, तो इसकी वजह से क्रॉसिंग करी गई, और अब तो जो हाइब्रिड और कल्टीवर वैरायटीज हैं वही ग्रो कराए जाते हैं। बट इन एनी वे सैकरम बारबेरी इज वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ शुगर केन, बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। इसको क्या किया जाता है, इस शुगर केन की जो स्टेम्स होती हैं इनको कट किया जाता है,
एंड प्रोसेस्ड टू एक्सट्रैक्ट शुगर, यहीं से शुगर एक्सट्रैक्ट करी जाती है। क्रॉप रेसिड्यू इज नोन एज बैगेज, जो जूस निकालने के बाद जो वो बैगेज टाइप का स्ट्रक्चर बचता है जिसको क्रॉप रेसिड्यू कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर फीडिंग द लाइवस्टॉक, जानवरों को चारे के रूप में उसको यूज किया जाता है, खिलाया जाता है, और उसको फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। तो फ्यूल के रूप में कैसे यूज करेंगे, उसको जलाने के काम में लिया जाता है। जलाने के काम में आप समझ ही गए होंगे कि हमारी जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं उनमें जलाने के लिए हमें कभी लकड़ी की जरूरत होती है, कभी इस तरह की चीजों की जरूरत होती है, तो वहां पर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो क्रॉप रेसिड्यू नोन एज द बैगेज इज यूज्ड फॉर फीडिंग द लाइव स्टॉक एंड इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है। इट इज प्रोसेस्ड ऑल्सो, इसकी प्रोसेसिंग भी होती है, राइट। फाइबर बोर्ड या पेपर को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, फाइबर बोर्ड या पेपर को बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो शुगर केन इंडस्ट्री से जो मोलासेस निकलते हैं उनको यूज किया जाता है फॉर रिफाइनिंग प्रोसेस एंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जो कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कैरमल जिसको कहते हैं, कैरमल एक तरह का प्रोडक्ट होता है, उस कैरमल के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो मैंने आपको कहा है कि चाहे बीच में सेशन रुके या दिक्कत दे, मैं आपको साइंटिफिक नेम कराकर ही मानूंगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बिना कराए जाने वाला नहीं हूं आज, है ना। तो आप इसके बारे में जानते हैं, फाइबर बोर्ड और पेपर बनाने में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है बैगेज का। मोलैसेस जो बनती हैं उनको रिफाइनिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है और कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट वगैरह बनाए जाते हैं। कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट आप बहुत से ऐसे प्रोडक्ट देखते हैं, दिवाली के टाइम पर व्हाइट कलर की बहुत तरह की ड्राई शुगर की मिठाइयां आती हैं, सिर्फ शुगर होता है वो सब मोलासेस से बनते हैं। जो गंदगी निकलती है शुगर केन इंडस्ट्री से, यानी कि जहां पर शक्कर बनती, चीनी मिल जो होती हैं, चीनी मिलों से निकला हुआ वो पानी जिसको मोलासेस कहते हैं, उसको कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी बनाए जाते हैं, जैसे रम हो गया, जिन हो गया, और इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो इथाइल अल्कोहल इंडस्ट्रियल है उसके यूटिलाइजेशन में भी काम में लिया जाता है। चीनी के बारे में समझ गए सारी की सारी चीजें। भाई देखो, दिवाली के टाइम पे आप मार्केट में देखते हो व्हाइट व्हाइट कलर की डिफरेंट टाइप्स की जो है स्वीट्स मिलती हैं, ड्राई स्वीट्स होती हैं, वो चीनी ही होती है उसमें और कुछ नहीं होता। कभी कभी वो अलग अलग आकार प्रकार में भी बना दिया जाता है। कुछ तो होते हैं जो खिलौनों के टाइप में बने होते हैं, वो बड़े हार्ड होते हैं, उनको दांतों से तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, और कुछ होते हैं व्हाइट कलर के जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। इनको बनाने का प्रक्रिया है, इनको बनाने की प्रक्रिया है, चाशनी को गाढ़ा करते हैं, गाढ़ा करते हैं, गाढ़ा करते हैं, और जब काफी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उसको रोप के वे में बना डेवलप किया जाता है, यानी कि उनके लंबे लंबे तार टाइप के बनाए जाते हैं। लंबा किया फिर मोड़ दिया, फिर लंबा किया फिर मोड़ दिया। सोहन पापड़ी भी कुछ कुछ इसी तरह से बनती है, राइट। तो इनके बारे में फिर कभी सेशन लूंगा, चर्चा करूंगा। पेठा आपने खाया होगा, पेठा कैसे बनता है उसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नीट में नहीं आने वाला, तो अभी इस टाइम पर फोकस है नीट का, और उसके बाद कभी और कुछ एक्स्ट्रा सेशन करेंगे तो और भी नई चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। नाउ सनफ्लावर, हेलियंथस एनुअस, हेलियंथस एनुअस यानी कि सनफ्लावर, सूरजमुखी, बड़े काम का प्लांट है। इसका ऑयल बहुत काम का होता है, यानी कि एक तरह से हेल्दी ऑयल की कैटेगरी में भी शुमार होता है, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल्स होते हैं। तो हेलियंथस एनुअस यानी कि सनफ्लावर, सूरजमुखी, इसके बारे में आप जानते ही हैं। तो साइंटिफिक नेम इसका आपको याद रखना पड़ेगा, हेलियंथस एनुअस। फैमिली भी आप जानते हैं इसका, इन्फ्लोरेसेंस, हेड इन्फ्लोरेसेंस या कैपिचुलम है, एस्टरेसी फैमिली का मेंबर है। इस फैमिली के मेंबर बहुत से दिखाई देते हैं, ऐसे फ्लावर छोटे बड़े बहुत से दिखाई देते हैं। इनमें से एक डैंडेलायन भी आता है, डैंडेलायन भी इसी फैमिली का मेंबर है। डैंडेलायन आपने देखा होगा, घास के मध्य में आप देखेंगे छोटे छोटे पौधे हैं और येल्लो येल्लो कलर के उनमें फ्लावर आ जाते हैं, राइट। समझ में आ गई बात। बताशे, यस, बताशे भी बनते हैं, जी हाँ। तो मैंने तो बहुत तरह की जो है उन मिठाइयों की बात करी, लेकिन आप लोग बिल्कुल याद कर गए, बताशा कहते हैं उसको, प्रसाद के रूप में भी यूटिलाइज होता है। और बच्चों देखिए, हमारी कंट्री में जहां भी जो कुछ चलता है मुझे लगभग चीजों के बारे में आइडिया है, क्योंकि आई हैड बीन लकी इनफ कि मैं अपनी कंट्री को बहुत करीब से जान सकूं, और मुझे बड़ा प्रेम है अपने देश से। तो यहाँ की हर एक चीज, वो चाहे शहरी हो या देसी हो या देहाती हो, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मैं बैलगाड़ी में भी बैठा हूँ,
और मैंने बैलगाड़ी में बैलों को खुद चलाया है। ये चीज बड़ी अनोखी लगी होगी आपको सुनकर के। मैंने धान की कटाई में भी हिस्सा लिया है। मैंने धान को अपने हाथों से काटा है। मैंने दूध भी निकाला है जानवरों का। आई बात समझ में? और मैंने वो सारी चीजें भी करी जो बड़े शहरों में बच्चे करते हैं, चाहे वो किसी वंडर पार्क में जाना हो, चाहे इस तरह उस तरह की जगहों में, यानी कि जहां पर कुछ नई चीज है, टेक्नोलॉजी है। तो उन सारी चीजों के बारे में आप, चाहे आप खेल के मैदान की बात कर लीजिए, तो मतलब मैंने फर्स्ट हैंड नॉलेज किया, तभी आपके साथ कई चीजें शेयर कर पाता, राइट। एनीवे, सनफ्लावर ऑयल जो कि बड़ा काम का है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स, इसकी सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड टू प्रोड्यूस मार्जरीन एंड बायोडीजल। मार्जरीन क्या होता है? मार्जरीन होता है बटर का सब्सटीट्यूट। बटर हम एवरीडे मॉर्निंग टोस्ट, मॉर्निंग ब्रेड में हम बटर लगाते हैं। ब्रेड एंड बटर को बड़ा इंपॉर्टेंट तवज्जो दी जाती है अंग्रेजी कल्चर में। ब्रेड बटर, जैसे हम हमारे यहाँ कहते हैं कि दाल रोटी, हम दाल रोटी के लिए काम करते हैं, तो अंग्रेज कहते हैं ब्रेड एंड बटर, वी अर्न आवर ब्रेड एंड बटर। तो ये उनके देश का जुमला है, उनका जो ब्रेड एंड बटर है वो हमारे यहाँ की दाल रोटी के बराबर है, ठीक है। तो वो ब्रेड के ऊपर बटर जरूर लगाते हैं। अब बटर में क्या होता है, काफी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट। फैट भी उसका दूसरी टाइप का होता है, तो कई बार वो नुकसानदायक होता है। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट है, यानी कि लो कोलेस्ट्रॉल फैट, मार्जरीन। मार्जरीन आपने जरूर देखा होगा। मैंने मार्जरीन खाया लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। इसके अलावा बायोडीजल बनाने में भी सनफ्लावर ऑयल का काम में लिया जाता है। इसके अलावा एक और प्लांट है जेट्रोफा। जेट्रोफा को भी बायोडीजल के रूप में यूज किया जाता है, जेट्रोफा इंटेगरीमा। आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। इतना वेल नोन नहीं है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सनफ्लावर तो बहुत ही काम का है। नाउ This oil is cheaper than olive oil. Olive oil से भी बायोडीजल बन सकता है, लेकिन उससे काफी सस्ता पड़ता है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है। और सनफ्लावर ऑयल को कभी कभी सोप में भी यूज किया जाता है। जो साबुन बनते हैं बच्चों, उसमें भी एस्टर्स होते हैं, तो उसमें ऑयल का यूसेज होता है, उसमें सनफ्लावर ऑयल भी यूज किया जाता है कभी। बात करते हैं चाय के बारे में, कैमेलिया साइनेंसिस। चाय का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, जो एक प्याली चाय होती है उसको भी हम बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी ने चाय दी, तो मैं उस चाय को कैसे एक्सप्लेन करूंगा? बॉइल्ड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस। तो चाय की डेफिनेशन है बॉइल्ड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस मिक्स्ड विद द नेक्टर ऑफ बोविस इंडिका। बोविस इंडिका यानी कि जो गाय है उसका अमृत मिलाया जाता है, यानी कि दूध। तो दूध अमृत के समान ही होता है। तो बॉइल्ड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस मिक्स्ड with the nectar of Bovis indica along with the crystals of Saccharum officinarum, यानी कि चीनी के crystals उसमें डलते हैं, and few drops of the juice of gingiber officinale, gingiber officinale का juice भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो Syzygium aromaticum भी डाल सकते हैं। Syzygium aromaticum यानी कि long, clove जिसको कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। और आप चाहें तो Osimum sanctum के भी दो चार ड्रॉप्स डाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से डेफिनेशन को आप बढ़ाते चलिए और वही बन जाती है चाय। तो कैमेलिया साइनेंसिस मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कैमेलिया साइनेंसिस याद रखना जरूरी है, कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं चाय बागानों से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको याद हो कि मैंने एक मिशन दिया हुआ है आप लोगों को, मिशन 2030, तो जिन बच्चों ने वो सेशन देखा हुआ है, द लेगेसी ऑफ नीलगिरीज मिशन 2030, जहां पर मुझे 100,000 डॉक्टर्स को लेकर के नीलगिरी हिल्स में पहुंचना है 2030 में, तो आप सबको उसका हिस्सा बनना है। वहां पर भी आप देखेंगे कैमेलिया साइनेंसिस के गार्डन, यानी कि नीलगिरीज, वहां पर भी चाय की खेती होती है। लेकिन हमारी कंट्री में चाय की खेती 3 जगहों पर होती है, और तीनों बड़े फेमस हैं, तीनों मशहूर जगहें हैं जहां पर चाय की खेती होती है, चाय बागान देखने को मिलते हैं। चलिए समझ लेते हैं। The three main kinds of tea are produced in India. एक है असम टी। असम टी काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है, असम में चाय बागान है। मेरे एक फ्रेंड भी असम में है, उनका भी खुद का अपना चाय बागान है। मुझे कई बार इन्विटेशन आया है, कभी जाऊंगा तो लाइव वीडियो आपको वहां से बना करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा वक्त बदलने दीजिए, बिल्कुल जाया जाएगा, क्योंकि आजकल तो मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड है बात की। सो असम टी काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है असम में, लेकिन दार्जिलिंग टी इज वर्ल्ड फेमस। दार्जिलिंग टी
दार्जिलिंग में पाई जाती है जो कि फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज में है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट दार्जिलिंग। ठीक है, तो दार्जिलिंग के चाय बागान मैंने देखे हुए हैं। द टी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट टीज इन द वर्ल्ड। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि दुनिया में जो सबसे कीमती चाय की सप्लाई होती है वो दार्जिलिंग टी ही है। दार्जिलिंग टी का नमूना कुछ इस तरह से है कि आप इसकी जो इंडिया में कीमत है नॉर्मल, मुझे एक स्टूडेंट ने कभी दार्जिलिंग गए थे तो उन्होंने गिफ्ट करी थी, उस चाय की कीमत 100 ग्राम दिया था उन्होंने मुझे, पैकिंग में आती है 100 ग्राम के पैकिंग में तो लेकर के आए थे, उसकी कीमत थी बच्चों 25,000 रुपए। बहुत पहले की बात है, तो 25,000 रुपए किलोग्राम की चाय। अब आप सोच सकते हैं कि चाय की भी कितनी ज्यादा वैरायटी, और मेनली वो एक्सपोर्ट होती है, वो पता नहीं कहां से ले आए थे, वो कोई फॉरेन एक्सपोर्ट क्वालिटी ही थी जो इंडिया में कहीं भी मार्केट में नहीं मिलती। और वो एरोमा टी होती है, यानी कि उसको पानी में उबाल करके भी अगर आप पिए तो आप तरोताजा हो जाते हैं, आपको ना तो मिल्क ऐड करने की जरूरत है ना शुगर ऐड करने की जरूरत है, उसकी खुशबू इतनी बढ़िया होती है कि आप ऑलरेडी रिफ्रेश्ड फील करते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। फिर आती है नीलगिरी चाय। नीलगिरी चाय सदर्न रीजन ऑफ इंडिया में पाई जाती है, ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती। नीलगिरी चाय थोड़ी माइल्ड टी होती है, फ्लेवरिंग के रूप में यूज की जाती है, बाकी चाय के साथ मिक्स किया जाता है उसको, चाय की ब्लेंडिंग होती है। आपको ये चीज पता होगी कि चाय अलग अलग चाय बागानों की चाय जो सुखा करके बनाई जाती है उसकी ब्लेंडिंग करी जाती है। ब्लेंडिंग यानी कि उनको मिक्स किया जाता है पत्तियों को, और अलग अलग टाइप की पत्तियों के मिश्रण से अलग अलग टेस्ट बनते हैं। एक और चीज आपको बता देता हूं, दुनिया में एक प्रोफेशन ऐसा भी है जिसको टी टेस्टर के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग टी टेस्टर बनते हैं, यानी कि वो टी की क्वालिटी को टेस्ट करके बताते हैं कि ये कौन सी चाय किस टाइप की है। और इस प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा आपको आज मैं इस सेशन में जिक्र कर देता हूं, क्योंकि जब हम बात कर ही रहे हैं कैमेलिया साइनेंसिस की तो ये भी जान लेते हैं। तो टी टेस्टर्स जो होते हैं, बहुत पैसे वाला जॉब है, यानी कि काफी पैसे मिलते हैं इन लोगों को। अब इनकी दिनचर्या कैसी होती है, दो तीन चीजें सुन लीजिए। इनकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, इनकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए जो टी टेस्टर बनेंगे। इनकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, कुछ भी खाने से काम नहीं चलेगा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है इनको, नहीं तो वो एरोमा के बीच में डिफरेंस नहीं ढूंढ पाएंगे। और तीसरा, इनकी चाय की आदत ना हो, यानी कि ये चाय ना पीते हो वो टेस्टर बन सकते हैं। तो पहला, बहुत डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होनी चाहिए, यानी कि बॉडी को स्वस्थ रखना पड़ेगा, कसरत करनी चाहिए। इसके अलावा बैलेंस डाइट, कुछ भी उल्टी सीधी चीजें वो नहीं खा सकते, बिल्कुल बैलेंस एंड ब्लैंड फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा मीठा नहीं, बहुत ज्यादा नमकीन नहीं, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं, ऐसे ब्लैंड फूड को खाते हैं। और तीसरा, चाय नहीं पी सकते हैं, चाय नहीं पीते हैं वो लोग, क्योंकि चाय पियेंगे तो चाय के बीच में डिफरेंस नहीं ढूंढ पाएंगे। अब देखिए, जब इनका काम होता है, जब ये टेबल पर पहुंचते हैं तो इनके सामने करीब 15-20 टाइप की चाय बन करके आ जाती है, बॉइल, पानी में बॉइल करके वो चाय 15-20 तरह की चाय लगा दी जाती है टेबल में एक एक करके। अब ये तो बिना टेस्ट किए तो पियेंगे तो आदत तो पड़ेगी पड़ेगी, आई बात समझ में? अब समझिए बात को, पियेंगे तो आदत तो पड़ेगी। तो ये करते क्या है, कप को उठाते हैं और बड़ी जोर की आवाज करके थोड़ी सी सुड़कते हैं चाय को, थोड़ी सी, अंदर ना जाए, अंदर हलक के नीचे नहीं जानी चाहिए, थोड़ी सी क्वांटिटी मुंह में आती है और फिर मुंह में उसको जीभ के थ्रू उसको मुंह में घुलाते हैं, जैसे टॉफी है ना, हम लोग जैसे टॉफी खाते हैं, तो जीभ के थ्रू मुंह में उसको ऐसे ऐसे करते हैं और उसके बाद थूक देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं जी, थूक देते हैं, उसको पीते नहीं है, उस लिक्विड को बड़ी तेजी के साथ, लेकिन आया बहुत थोड़ा सा, ये नहीं कि पूरा 2-4 घूंट पी गए कि भैया मिल गई चाय अब तो पी लो मौका अच्छा है, तो थोड़ी सी चाय लेंगे और उसको फिर थूक देंगे मुंह में घुलने के बाद, उसको थूक देते हैं। उसके बाद मिल्क लेकर के, दूध रखा रहता है जिसमें कोई चीनी नहीं, कोई कुछ नहीं है, उस दूध को लेकर के कुल्ली करते हैं, एक बार दूध को मुंह में लेंगे और अच्छे से मुंह को साफ करेंगे, उसको भी थूक देंगे, फिर अगला कप उठाएंगे, फिर उसका उसके टेस्ट के बारे में वो लिख देते हैं कि भाई इसका ये एरोमा है, इसकी क्वालिटी वो बता देते हैं, कौन से मिक्सचर की क्वालिटी कैसे आई। आई बात समझ में? मैं तो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे चाय मॉर्निंग में भी चाहिए, आफ्टरनून में भी चाहिए, इवनिंग में भी चाहिए, 2-3 कप तो मैं पी लेता हूं दिन में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले ज्यादा नहीं देते कि फिर आदत पड़ जाएगी, लेकिन अब टीचिंग इंडस्ट्री में आने के बाद तो आप समझ ही सकते हैं, टीचर का और चाय का बहुत ज्यादा गहरा नाता, जैसे चाय और टोस्ट का गहरा नाता है,
चाय और बिस्किट का गहरा नाता, वैसे टीचर और चाय का बड़ा गहरा नाता है। ठीक है, आज से कई साल पहले जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था किसी जमाने में, तो भी जब घर जाता था किसी के भी तो चाय जरूर आती थी। सर आए हैं, सर के लिए चाय मिलनी ही चाहिए। तो अब कई बार मना भी करता था लेकिन मानते ही नहीं थे, नहीं सर चाय पियो, अरे आप टीचर हो के चाय नहीं पीते हो। तो ऐसे कर करके मुझे चाय की आदत पड़ गई है। ठीक है, तो टी टेस्टर तो मैं नहीं बन सकता। ऐसे ही कॉफी टेस्टर्स होते हैं, कॉफी टेस्टर भी कॉफी को टेस्ट करते हैं लेकिन कॉफी को खुद कंज्यूम नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? तो ये चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, एक नए प्रोफेशन के बारे में पता चला, आप लोग बिल्कुल परेशान हो, आप सबको डॉक्टर ही बनना है और इधर उधर कोई प्रोफेशन में नहीं जाना। आ गया जी मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, इस मैंजीफेरा इंडिका एनाकार्डियेसी फैमिली है। इस मैंजीफेरा इंडिका के बारे में मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। मैंने मैंगो के ऊपर और भी चर्चा करी है, कुछ स्पेशल ट्रीज के बारे में बात करी हुई है, सेशन लिए हैं यूट्यूब पर जहां आम की बात करी। हमारी कंट्री के एक महान संत स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड पहुंचते हैं, काफी वर्ल्ड घूमा था उन्होंने, इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड में किसी से बात होने लगी तो चर्चा आई फलों को लेकर के। तो उस इंसान ने, मतलब थोड़ी सी उसकी आदत थी कि अपनी कल्चर को, अपनी क्वालिटी को, अपने अपने सिविलाइजेशन को ज्यादा महान बताता था। उसने कहा कि हमारी कंट्री में जितने फ्रूट होते हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कहते अच्छा कौन सा फ्रूट होता है आपकी कंट्री में? तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ एप्पल होता है। अंग्रेज ने बताया हमारे यहाँ एप्पल होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हमारे यहाँ आम होता है। फिर उन्होंने कहा हमारे यहाँ चेरी होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हमारे यहाँ आम होता है। उन्होंने फिर कहा हमारे यहाँ ऑरेंजेस होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा हमारे यहाँ आम होता है। जब 4-5 दफे ये कहानी हो गई तो वो बंदा खींच गया, कहता हमारी कंट्री में इतने फ्रूट है, आपके यहाँ सिर्फ आम ही होता है? कहते नहीं, आपने जितने नाम गिना इससे बहुत ज्यादा वैरायटी के तो आम हैं, और वो ऐसे डिस्टिंक्ट वैरायटीज हैं, मतलब ये नहीं कि एप्पल ही है थोड़ा साइज छोटा बड़ा, अरे बिल्कुल अलग आम है, यानी कि आप खाएंगे आपको लगेगा दूसरा फ्रूट है। आम के टेस्ट ऐसे हैं हमारी कंट्री में कि अगर किसी की आंखों में पट्टी बांध दिया जाए और बताया ना जाए कौन सा आम खिला रहे हैं, बच्चों वो कई बार धोखा खा जाएगा, उसको लगेगा ही नहीं कि आम खा रहे हैं। आप दशहरी ले लो, लंगड़ा ले लो, अल्फांसू ले लो, सिंदूरी ले लो, इसके अलावा पता नहीं ना जाने कितने नीलम वैरायटी ले लीजिए। और एक मैंगो तो अमेरिका में चलता है, उसका नाम है टॉमी एटकिंस मैंगो, जो कि वायोलेट या ब्लू कलर का होता है। टॉमी एटकिंस मैंगो, इसके बारे में भी मैंने जिक्र किया हुआ है जब हमने मैंगो के बारे में बात करी हुई है एक अनोखे सेशन में। पुराने सेशन भी देख लिया करिए कभी कभी। नाउ मैंगो के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी पहुंच सकती। तो मैंगो इज नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमारे सब पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में, है ना? यानी कि सब कॉन्टिनेंट की जब बात आती है तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब आ जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का नेशनल फ्रूट है, पाकिस्तान का भी नेशनल फ्रूट है, फिलीपींस का भी नेशनल फ्रूट है। फिलीपींस भी एक आइलैंड कंट्री है जिसमें 7,000 आइलैंड है, राइट? ये सिंगापुर और जापान के बीच में पड़ता है। फिलीपींस काफी बड़ी कंट्री है, मनीला उसका कैपिटल है, राइट? तो फिलीपींस, फिलीपींस का भी नेशनल फ्रूट। अब देख लीजिए, तीन कंट्री का तो नेशनल फ्रूट है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, फिलीपींस का नेशनल फ्रूट है, ठीक है? और बांग्लादेश का नेशनल ट्री है बच्चों, तो बांग्लादेश का नेशनल ट्री भी मैंगो ही है। सो इट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ थ्री कंट्री एंड नेशनल ट्री ऑफ बांग्लादेश। नाउ हंड्रेड्स ऑफ कल्टीवेटेड वैरायटीज हैव बीन इंट्रोड्यूस टू अदर वार्म रीजन ऑफ द वर्ल्ड। आज की डेट में ये बहुत से वार्मर कंट्रीज, अमेरिका में होता है, अफ्रीका में होता है, साउथ अमेरिका में होता है, लगभग जो वार्मर कंट्रीज हैं उन सब में होता है। Now, this species was assessed and first named in botanical nomenclature by Linnaeus. Carolus Linnaeus ने 1753 में इसका नामकरण किया था मैंजीफेरा इंडिका, और इसको नाम करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ उन्हीं के एक मित्र जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में थे और वो भी भारत आए हुए थे, तो भारत से उन्होंने स्पेसिमेन भेजे थे, कार्ल वॉन लैजरस्टॉम। मैंने उनका भी नाम बताया हुआ है, कार्ल वॉन लैजरस्टॉम, जो कैरोलस लिनियस, कार्ल वॉन लिने, कैरोलस लिनियस का असली नाम है कार्ल वॉन लिने, इनके फ्रेंड थे कार्ल वॉन लैजरस्टॉम, जिनके नाम के ऊपर इन्होंने एक पेड़ का भी नाम रखा है लैजरस्टोमिया स्पीशियोसा, जो कि इंडिया में पाया जाता है, बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। तो उसके फ्लावर वायलेट कलर के होते हैं और बीच में येल्लो कलर के पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेलस डोमेस्टिका, ये देख लीजिए बच्चों, एप्पल की हार्वेस्टिंग करने का कैसा अनोखा तरीका। हाथ नहीं लगेगा, वैक्यूम एक पंप है, बनाया गया है मशीन जो कि एप्पल को सक कर लेती है, ये देख लीजिए। तो आज के टाइम पर ये बहुत काम की है कि भैया कांटेक्ट लेस होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए और किसी भी तरीके से टच ना किया जाए। तो ये मशीन मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा आपके साथ इसको शेयर कर लेते हैं। देख लीजिए कैसे अच्छे से हार्वेस्टिंग हो रही, भाई आपके हाथ में ना जाने कौन सा वायरस हो, आपने एप्पल को टच किया, आपने एप्पल को तोड़ा, हार्वेस्ट किया, अब वो मार्केट में जाएगा, किसी को कोई दिक्कत हो वो काम ठीक नहीं है। तो इस तरह का मैकेनिज्म सबसे बढ़िया है, वैक्यूम क्लीनर टाइप का एक मशीन बनाई गई है, वैक्यूम प्लकर, इसको वैक्यूम प्लकर कहा जाता है। इसको किसी इंसान ने बना करके तैयार किया है, वो बड़े काम का है, ये एप्पल को दूर से ही खींच लेता है। मेलस डोमेस्टिका यानी कि एप्पल, मेलस जीनस याद रखिएगा, मेलस डोमेस्टिका। एप्पल इज एन एडिबल फूड फ्रूट प्रोड्यूस्ड बाय द एप्पल ट्री, आप सब जानते हैं एप्पल है तो एप्पल ट्री से ही होगा, राइट। एप्पल ट्रीज आर कल्टिवेटेड वर्ल्ड वाइड एंड आर मोस्ट वाइडली ग्रोन स्पीशीज इन द जीनस मेलस। इस जीनस मेलस के और भी तरह के एप्पल हैं लेकिन सबसे ज्यादा एप्पल ट्रीज को ही ग्रो किया जाता है विद इन दैट जीनस, है ना। ये जो एप्पल का ट्री है इट ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में ओरिजिनेट किया और लगभग कोल्डर कंट्रीज जहां पर भी हैं, थोड़ा सा कोल्डर टेम्परेचर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उन सब जगहों पर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और एप्पल की तो इतनी मान्यता है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ऐसा करके एक स्टेटमेंट भी यूज किया जाता है कि अगर एक एप्पल आप रोज खाते हैं तो डॉक्टर को नहीं आने देते आप अपने आसपास, यानी कि आप बीमार नहीं पड़ते हैं। वाकई में एप्पल बड़े काम का है, लेकिन एप्पल एक तरह का फॉल्स फ्रूट है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। एप्पल का जो फ्रूट है एक्चुअली सेंटर में होता है जहां पर कुछ सीड होती है, एप्पल की सीड लेकिन पॉइजनस है, एप्पल सीड कभी भी खानी नहीं चाहिए, एप्पल सीड्स आर पॉइजनस। और उसमें भी जो पॉइजन है आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, साइनाइड ग्रुप ऑफ पॉइजन है जिसमें पोटेशियम साइनाइड तो ऐसा है जिसका कोई टेस्ट ही नहीं बता पाया, पोटेशियम साइनाइड तो ऐसा एक पॉइजन है जिसको जुबान में रखते ही मौत हो जाती है। तो उस तरह के साइनाइड ग्रुप का पॉइजन पाया जाता है एप्पल के सीड में। अब आप में से कई बच्चे दुविधा में पड़ गए होंगे, सोच में पड़ गए होंगे कि कभी गलती से एप्पल का सीड जरूर चिबा लिया होगा किसी न किसी ने, तो बच्चों ध्यान दीजिए पोटेशियम साइनाइड नहीं है, और जो एप्पल सीड में पॉइजन है वो भी स्लो पॉइजन है, उसको खाते ही मौत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन पॉइजनस है, कुछ ना कुछ नुकसान तो करेगा, है ना, डेथ नहीं करेगा लेकिन पॉइजनस चीज कोई भी हो, पॉइजनस चीज तो खाना ठीक नहीं है, इसलिए एप्पल के सीड को कभी भी सेवन ना किया जाए, मेरा सुझाव है आप लोगों के लिए। पोमेग्रेनेट, एक अनार 100 बीमार, देखिए इसके ऊपर भी एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे तो विदेशी कहावत है, हमारे देश की कहावत है एक अनार 100 बीमार, यानी कि ये बीमारों का फल माना जाता है। वाकई में ये बहुत ताकतवर्धक फल होता है, और इस फल को आपको जानकर के आश्चर्य होगा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान में इसकी खपत इतनी ज्यादा है कि अफगानिस्तान का जो मेन सप्लाई है वो पाकिस्तान के लिए है, अफगानिस्तान में अनार काफी पैदा होते हैं और उनकी मेन सप्लाई पाकिस्तान में करी जाती है क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को ये पोमेग्रेनेट यानी कि अनार बहुत पसंद है। प्यूनिका ग्रेनेटम नाम देख लीजिए इसका साइंटिफिक नेम, प्यूनिका ग्रेनेटम। अब एक चीज और बता दूं, इसके साइंटिफिक नेम का बहुत ज्यादा जिक्र आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हालांकि है ना, इसके बारे में जिक्र है पोमेग्रेनेट का, लेकिन बहुत ज्यादा इसके साइंटिफिक नेम से रिलेटेड, हाँ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप जाने तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। प्यूनिका ग्रेनेटम तो ये है इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। पोमेग्रेनेट इज ओरिजिनली नेटिव टू द ईरानियन प्लेटू, ईरान का नेटिव है ये, ईरानियन प्लेटू में सबसे पहले इसकी पैदावार होती थी और हिमालयाज में इन द नॉर्थ पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, ईरानियन प्लेटू में ये नेटिव है। ईरान से ही माना जाता है कि हिमालयन क्षेत्र में ईरान से काफी इन्वेडर्स हमारी कंट्री में आए हैं, है ना, पर्शिया या ईरान के इलाकों से बहुत से लोग आए हैं हमारी कंट्री में, तो वो अपने साथ अनार को लेकर के आए और उन्होंने नॉर्थ यानी कि पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो इंडिया का ही नॉर्थ पार्ट होता था किसी जमाने में, आज अलग मुल्क है लेकिन एक जमाना था जब वो हमारी कंट्री का ही हिस्सा था, तो हिमालयाज में नॉर्थ पाकिस्तान और इंडिया में भी ग्रो किया जाता है। However, with time through traders and warrior, देख लीजिए, traders जो व्यापारी आए
और जो लड़ने के मंशा से आए इन लोगों ने इस प्लांट को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो द प्लांट गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक तरह की बायोपायरेसी है ये, बिना ऑथोराइजेशन के प्लांट को हर जगह फैला दिया गया, तो एक तरह की बायोपायरेसी है। इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं। नाउ टुडे पोमेग्रेनेट इज कल्टीवेटेड ओवर द होल मेडिटेरेनियन रीजन, पूरे यूरोप में इसका कल्टीवेशन होता है, पूरे भारत में होता है थ्रू आउट इंडिया, एंड ड्रायर पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट इलाकों में भी इसको किया जाता है। साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट एशिया जो भी है हमारा पूरा का पूरा पार्ट, साउथ ईस्ट एशिया में हमारी कंट्री आती है और हमारे नेबरिंग पड़ोसी बहुत से मुल्क आ जाते हैं। मलया पार्ट ऑफ अमेरिका, कैलिफोर्निया और अरिजोना में भी पोमेग्रेनेट की खेती होती है, एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका, अफ्रीका तक पहुंच चुका है, तो पोमेग्रेनेट बड़ा काम का है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉबेरी प्रगेरिया वर्जीनियाना, प्रगेरिया वर्जीनियाना ये देख लीजिए, जूसी थैलमस है, फ्रूट एकीन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, दाने जैसे होते हैं वो फ्रूट, एकदम छोटे छोटे बारीक फ्रूट होते हैं, प्रगेरिया वर्जीनियाना बड़ा काम का है। और स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर जो है वो वर्ल्ड फेमस है, इसको बच्चे पसंद करते हैं, इसको बहुत तरह की खाने की चीजों में डाला जाता है, टूथपेस्ट में डाला जाता है, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस में डाला जाता है। तो फ्रेगेरिया यानी कि स्ट्रॉबेरी इज वेल नोन, फ्रेगेरिया याद रखना है क्योंकि फ्रेगेरिया जीनस आपके सिलेबस का हिस्सा है, और इसमें हम देखते हैं स्टोलन भी देखे जाते हैं, तो स्ट्रॉबेरी का नाम इस चक्कर में भी लिया जाता है, तो फ्रेगेरिया आपको याद होना चाहिए, फ्रेगेरिया वर्जीनियाना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। द फ्रूट इज नोन फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक अरोमा, ब्राइट रेड कलर, जूसी टेक्सचर एंड स्वीटनेस, बड़ा अच्छा फ्रूट माना जाता है, ब्राइट रेड कलर, जूसी टेक्सचर, स्वीटनेस, अरोमा। आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है फ्रेगेरिया या स्ट्रॉबेरी का वो है चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन होता है और वो सारे के सारे पूरे वर्ल्ड में लगभग भेजा जाता है। सो इट इज कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, ईदर फ्रेश और एज जैम, आइसक्रीम, जूस, मिल्क शेक एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल स्ट्रॉबेरी फ्लेवरिंग एंड अरोमास आर ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन मेकिंग प्रोडक्ट लाइक कैंडीज, सोप, लिप ग्लॉस, परफ्यूम, बहुत सी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है, आप इसके बारे में जानते ही हैं। नाउ स्वीट पोटैटो आइपोमिया बटेटस, आइपोमिया बटेटस ये बिलोंग करता है फैमिली कॉनवुलवुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है आइपोमिया बटेटस, और आइपोमिया कार्निया के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जिसको बेशर्मा कहते हैं, बेशर्म प्लांट कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमनली देखा जाता है आइपोमिया कार्निया, राइट। ये है बटेटस, आइपोमिया बटेटस यानी कि शकरकंदी जिसको कहते हैं, है ना, ये देख लीजिए स्वीट पोटैटो या आइपोमिया बटेटस पता होना चाहिए। तो स्वीट पोटैटो जो है हमारी कंट्री का नेटिव नहीं है, इट इज नेटिव टू ट्रॉपिकल अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका का नेटिव है। इट्स लार्ज स्टार्ची स्वीट टेस्टिंग ट्यूबरस रूट आर यूज्ड एज वेजिटेबल, इसको वेजिटेबल के रूप में यूज किया जाता है, वैसे भी स्नैक्स के रूप में यूज करते हैं लोग। यंग लीव्स एंड शूट्स आर ऑल्सो समटाइम्स ईटेड एज ग्रीन, है ना, ग्रीन्स के रूप में इसको खाया जाता है। स्वीट पोटैटो इज कॉमनली थॉट टू बी, इसको पहले माना जाता था कि ये पोटैटो की प्रजाति है, सोलानेसी फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कॉनवुलवुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन ऑर्डर ऑर्डर सेम है सोलानेल्स, यानी कि है तो उससे नजदीकी रिश्तेदार ही है, बहुत दूर का रिलेटिव नहीं है, आसपास ही है मामला, राइट। वाटरमेलन सिट्रुलस वल्गैरिस इसको कहते हैं वाटरमेलन, ये देख लीजिए तरबूज, और तरबूज को मानते हैं अफ्रीका में इसकी प्रजाति उत्पन्न हुई और ये पूरे वर्ल्ड में आजकल फैला हुआ है और बहुत ज्यादा खाया जाता है, सिट्रुलस वल्गैरिस। वाटरमेलन्स ग्रोन इन क्लाइमेट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टेम्परेट रिक्वायर, इसमें तापमान चाहिए 25 डिग्री से ऊपर, है ना, सीड को पहले किसी पॉट में शो किया जाता है और फिर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है इसको लोमी सॉइल में चाहिए, सैंडी लोम में, सैंडी या लोमी सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, पीएच शुड बी 5.5 to 7, यानी कि स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच में ग्रो करता है विद मीडियम लेवल ऑफ नाइट्रोजन। 1200 से अधिक वैरायटीज पाई जाती हैं और जिनका जो अलग अलग शेप होता है, 1 किलो के अंदर भी होते हैं कुछ फ्रूट और 90 किलोग्राम तक का भी वाटरमेलन होता है, इतने बड़े बड़े वाटरमेलन, और मैंने भी देखा हुआ है 90 किलोग्राम का वाटरमेलन, 90 का तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 40-50 किलो का तो मैंने देखा हुआ है, 90 किलोग्राम तक मैक्सिमम होता है। द फ्लैश कैन बी रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येल्लो हो सकता है, व्हाइट हो सकता है,
इस तरह का जो एडिबल पोर्शन है वो इस तरह का होता है। मस्कमेलन, कुकुमिस मेलो। अब चाहे बच्चों वाटरमेलन हो या मस्कमेलन हो, ये सब क्यूकरबिटेसी फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, पोर्ड फैमिली है ना, और वाइन्स टाइप के होते हैं ये, क्लाइंबर्स या वाइन्स इनको कह सकते हैं। कुकुमिस मेलो इज मस्कमेलन, खरबूजा। नाउ तरबूज और खरबूजा दो चीजें हैं। मस्कमेलन इज अ क्लाइंबिंग एनुअल प्लांट, प्रोड्यूसिंग स्टेम अराउंड 1.5 मीटर लॉन्ग स्टेम होती है। इट इज वाइडली कल्टिवेटेड फॉर इट्स एडिबल फ्रूट, है ना, गार्डन्स में भी किया जाता है, कॉमर्शियली भी यूज होता है, वार्म टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्रॉपिकल अफ्रीका जस्ट लाइक वाटरमेलन, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, एंड देयर कल्टिवेशन स्प्रेड नॉर्थवर्ड एंड ईस्टवर्ड थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो, हजारों साल पहले ये हमारी कंट्री में आ चुका है, बहुत पहले। बनाना, मूसा पैराडिसिएका। इस मूसा पैराडिसिएका का भी नामकरण कैलोरस लिनियस ने खुद ही किया था, और एक ही वैरायटी का बनाना उन्होंने देखा था और उन्होंने इसको पैराडाइज फ्रूट के नाम से जाना, कि मूसा पैराडाइजिएका, इस तरह का नामकरण उन्होंने किया, मूसा पैराडाइजिएका बनाना। बनाना इज अ कॉमन नेम फॉर हर्बेशियस प्लांट ऑफ द जीनस मूसा, बहुत तरह के बनानाज होते हैं मूसा जीनस के, एंड द प्रोड्यूस द फ्रूट दे प्रोड्यूस। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड प्लांट, ऑल पार्ट ऑफ बनाना प्लांट हैव मेडिसिनल एप्लीकेशन, इसके पूरे के पूरे पार्ट का यूटिलाइजेशन है। साउथ इंडिया में तो इसकी पत्तियों को भी बड़ा बखूबी यूटिलाइज किया जाता है प्लेट्स के रूप में, खाने के लिए प्लेट के रूप में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हमारी कंट्री में काफी पुराना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों फिकस बेंगालेंसिस की, जो कि हमारा वट वृक्ष है, बैनियन है, और ये देख लीजिए हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैनियन ट्री जो एजेसी बोस बॉटनिकल गार्डन में अवस्थित है, शिवपुर हावड़ा। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है, आज फिर देख लीजिए इस बैनियन ट्री को, फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस के बारे में आप जानते हैं, फिकस रिलीजियोसा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बैनियन इज नेटिव टू इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इट इज अ टाइप ऑफ फिग, एक तरह का फिग है ये, फिग यानी कि जीनस फिकस। एरियल रूट हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस और ये ट्रंक बन जाती है। अब ये जो ट्रंक का सर्कल बन जाता है, ये सर्कल 200 मीटर तक के घेरे में भी पहुंच सकता है, राइट, 300 मीटर 400 मीटर के घेरे में भी पहुंच सकता है। 400 मीटर के घेरे वाला तो हमारा बैनियन ट्री है ये, जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन में है, और 30 मीटर तक की हाइट को पहुंच सकता है। तो बैनियन ट्री इंडिया और पाकिस्तान, हमारी ही कंट्री का नेटिव है। एक बैनियन ट्री और बड़ा अनोखा है, फिकस बेंगालेंसिस वैरायटी कृष्णे, कृष्णा बटर कप कहते हैं उसको, माखन कटोरी के नाम से जाना। ऐसे पत्ती होती है और पत्ती में एक ऐसा पाउच सा लगा हुआ है, ओरिजिनली ऐसा पाउच सा लगा हुआ है, कोन बना हुआ है, ये ओरिजिनल वैरायटी है, बहुत कम पाई जाती है हमारी कंट्री में, कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा। फिर बता देता हूं, फिकस बेंगालेंसिस वैरायटी कृष्णे, जैसे ही लिखेंगे फिकस बेंगालेंसिस कृष्णे तो आपको वो दिख जाएगी माखन कटोरी, पत्ती में ऐसे एक और पत्ती एडिशनल लगी हुई है और ये कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस कोन टाइप के स्ट्रक्चर में ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान मक्खन रखते थे, तो वहां से नाम इसका पड़ गया। फिग यानी कि फिकस, जिसको गूलर कहते हैं, अंजीर कहते हैं, इस प्रजाति को बिलोंग करता है। फिकस कैरिका, फिकस सिकामोरा, फिकस रिलीजियोसा, फिकस इलास्टिका, फिकस के बहुत से जीनस हैं बच्चों। फिकस ट्री काफी बड़ा जीनस है और उसमें फिकस रिलीजियोसा भी हमने पढ़ा पीपल, और फिकस बेंगालेंसिस बैनियन, फिकस कैरिका अंजीर, फिकस सिकामोरा वो भी अंजीर, तो बहुत तरह के हैं, फिकस की जीनस काफी ज्यादा है। तो फिकस बेंगालेंसिस वैरायटी कृष्णे आप देख लेंगे, उसको मैंने यहां नहीं इंक्लूड किया क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है। बात करते हैं पाइनएप्पल की, एनानस कॉमोसस, ये देख लीजिए एनानस कॉमोसस, ये एक तरह का एग्रीगेट या कॉम्पोजिट फ्रूट है, तो एनानस कॉमोसस। चलिए पाइनएप्पल, इट इज अ ट्रॉपिकल प्लांट विथ एन एडिबल फ्रूट एंड द मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट प्लांट इन द फैमिली ब्रोमेलिएसी। इसमें ब्रोमेलिन नाम का एक एल्कोलॉइड, एक केमिकल पाया जाता है ब्रोमेलिन, जिसको यूज करते हैं कफ सीरप वगैरह में, और कहते हैं कि पाइनएप्पल के जूस से जिनको खांसी की शिकायत होती है, पाइनएप्पल जूस लेने से या पाइनएप्पल खाने से वो शिकायत कम होती है, लेकिन थोड़ा सा ठंडी प्रकृति का होता है तो रात के वक्त सेवन इसका बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्दी जुकाम टाइप का होने की संभावना रहती है। तो पाइनएप्पल इज इंडिजिनस टू साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मेंबर है, वहां का इंडिजिनस है, वेयर इट हैज बीन कल्टिवेटेड फॉर मेनी सेंचुरीज। इसको यूरोप में जब 17th सेंचुरी में
इंट्रोड्यूस कराया गया तो वहां पर इसको कल्चरल आइकन ऑफ लग्जरी मानते थे, यानी कि लग्जरी का प्रतीक होता था। जिनके घर में पाइनएप्पल है यानी कि उनके घर में काफी लग्जूरियस हैं, काफी पैसे वाले माने जाते हैं। अब देख लीजिए बच्चों, टच मी नॉट, इसको छूना मना है, मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट, मिमोसा पुडिका। पत्तियां देख लीजिए इसकी, इमली की पत्तियों की जैसे हैं, गुलमोहर की पत्तियों की जैसे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है, टच मी नॉट, मिमोसा पुडिका। तो लीफलेट क्लोज व्हेन स्टिमुलेटेड बाय टचिंग, वार्मिंग, ब्लोइंग, ऐसे हवा भी फूंक दीजिए, पत्ती के ऊपर हवा फूंक दीजिए तो पत्ती बंद हो जाती है, शेकिंग, हिला दीजिए ब्रांच को तब भी बंद हो जाती है। इस टाइप के मूवमेंट को सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, और ये रिफ्लेक्स माना जाता है कि एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ये डेवलप हुआ टू इवेड द प्रीडेटर्स, जो प्रीडेटर्स इस पत्तियों को खाने की कोशिश करते हैं उनको भगाने के काम में आता था, या अल्टरनेटिवली टू शेड द प्लांट इन ऑर्डर टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ज्यादा ना हो इसलिए भी पत्तियां बंद हो जाती है। मेन स्ट्रक्चर मैकेनिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ड्रूपिंग ऑफ लीफ इज पल्विनस, पल्विनस होता है ना लीफ के बेस में जो स्वेलिंग होती है उसको पल्विनस कहते हैं, वहां से वाटर लॉस हो जाता है जिसके कारण पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं या ड्रूपिंग हो जाती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, आगे अगर आपको पसंद आई हो ये सीरीज तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, आफ्टर दिस सेशन आई विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज। बच्चों मेरी स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 2 बजे से 3 बजे के बीच में होती है, आज भी है स्पेशल क्लास और आज आपको आना है, आज हम प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड्स और एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब मोस्ट वेलकम है। ये रहा दीपक सर का स्केड्यूल, इसके अलावा ये रहे मंडे टू वेडनेसडे क्लास 11 स्केड्यूल, थर्सडे टू सैटरडे, इसमें 7 बजे आप देख लीजिए मेरे सेशंस होते हैं। नाउ आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, बच्चों टेलीग्राम ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल करें, गो टू ब्राउजर tinyurl.com/unacademychat और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं। एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com/neatmobile, यहां पर आपको हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर दिखाई। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं बच्चों, जो कि कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको मिलती है स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरेक्ट विद अस, लाइव पोल लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपकी पूरी की पूरी मदद करता है। हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है, तो इन बैचेस के साथ जुड़ें, अपनी तैयारी को और उम्दा करें, बहुत जरूरी है। करना क्या है, बड़ा सिंपल है, प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, नीट यूजी, गेट सब्सक्रिप्शन और फिर ये विंडो, यहां अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज करिए। 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month के सब्सक्रिप्शन है, नीट 2020 के बच्चे 1 month सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं, इसके अलावा 9th, 10th, 11th के बच्चे 24 month के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, आप मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे एंड आई विल गाइड यू टू द पाथ ऑफ सक्सेस। मैं आपको मेडिकल कॉलेज तक छोड़ करके आने की जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन उसके आगे की जर्नी आपकी अपनी है। बच्चों इस कोड को यूज करते ही जब आप एक बार जुड़ जाते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, तो अनअकैडमी नीट यूजी कैटेगरी में जितने एजुकेटर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप सारे के सारे एजुकेटर्स के साथ जुड़ सकते हो, जितने के जितने एजुकेटर्स हैं सबके बैचेस में जुड़ जाएंगे, कोड एक फायदे अनेक। इसके अलावा आपका कोई भाई बहन, कजन, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड किसी और कैटेगरी में भी अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहें तो आप ये कोड रेफर कर सकते हैं, इस कोड को यूज करके वो अनअकैडमी के हर एक कैटेगरी में जुड़ सकते हैं, तो कोड एक फायदे अनेक। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, #neatlifedaily पर शेयर जरूर करिए। अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी फॉर 9th, 10th and 11th, 12th ऑल आर आवर सिस्टर चैनल, सो टुगेदर लेट्स क्रैक इट। And for joining with an academy subscription, use code Pradeep Live. You will get 10% discount. और सबसे बड़ी बात, आप मेरी guidance में रहेंगे, mission 2030 को मेरे साथ accomplish करने की पूरी कोशिश करी जाएगी और आपको करना ही है वो। So see you all again at 2 p.m. on Unacademy Learning App special class. Till then, take care. Bye bye, बच्चों.